सात से आठ जो है बम चला है, उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है जो छह से सात राउंड, वो प्लानिंग में प्रियंकु पांडे की हत्या करने की प्लानिंग थी। आज सुबह जो है घर से निकले हैं अपने नेता अर्जुन सिंह जी के घर जाने के लिए सुबह 8:15 में, 3 मिनट भी नहीं हुआ होगा घोषपाड़ा रोड पे उठे हैं, इंग्लैंड इंडिया मिल क्रॉस किया है, रास्ते पर अचानक भाटपाड़ा म्युनिसिपैलिटी का जेटिंग मशीन ला करके रास्ता जाम कर दिया गया। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है वैसे ही 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को, हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है, उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है जो 6 से 7 राउंड, आप देख सकते हैं गाड़ी के कांच में एक गोली जो है सामने फ्रंट पे मेरे सीट के सामने ही जो आके अटका है, जो गोली चला है, ये टोटली पुलिस का खेल है, पुलिस का तृणमूल का मिली भगत है। Problem with BJP is their only motto in life is lie, lie and lie some more. Blatant big fat liars. First ask Arjun Singh that if yesterday was supposedly a student's protest, what was he doing there with his goons? Ask him that question. Why do these people lie? I do not understand. But whatever happened, the entire country saw, and post that, these hooligans, they tried to create an anarchy in Bengal. They failed in their attempt. They wanted a dead body so that they can create a Bangladesh. But did you get that?